हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है सुबह और आज ना घर पे लाइट नहीं है दोस्तों, बट आज जो है मैं चौकी की पुताई करी हूँ, लेकिन आप लोगों तक शेयर मैं नहीं की हूँ। तो यहाँ पर मैं निकल आई थी राखी फेंकने के लिए, तो राखी फेंक करके अभी मैं घर पे वापस आ गई हूँ। और यहाँ पे जो है घर की झाड़ू हमारा लग चुका है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने बरंडे की कराटे दोस्तों। तो देखिए हमारा बरंदा कितना ज़्यादा जो है सीलन आ गई है बारिश की वजह से, और अभी तो 2-3 दिन लगभग नहीं आए हैं बारिश, तो फिर थोड़ा सा सूखा ही लग रहा है हमारा बरंदा, देख सकते हैं आप लोग। और जो है कुछ अच्छा ही लग रहा है, इसलिए आज मैं सोच रही हूँ ना लिपाई कर दूंगी ऐसे सोच के, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग राखी बांधने जा रहे थे उसी टाइम पे जो है लिपाई की थी, उसके बाद में नहीं किया है। और काफ़ी बार जो है बारिश भी आ गए हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है, और मुर्गियाँ इतना ज़्यादा गंदा कर देती हैं कि क्या ही बोलें। तो फिर आज मैं सोच रही हूँ यहाँ पर से लिपाई कर दूँगी साफ करके, और जो है अच्छा भी लगेगा देखने में भी और बैठने उठने में भी। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बता नहीं पाई थी कि मिट्टी खाने से क्या नुकसान होता है और क्या नहीं होता है, तो इस वीडियो पे बताऊंगी मैं। और देखिए बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्यारा भी लग रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे हमारा तुलसी, तो मेरे ख्याल से लगता है ना इसको शायद चिड़िया ने ऐसा किया है, इसमें धान का जो खखरा है उसको शायद, या फिर मुर्गी, जो भी हो वही किया होगा। सारे तरफ का ऐसे ही किया हुआ है, देख रहे हैं यही सबको। तो एक बार फिर से इसको ना चिकनाई करूँगी तो अच्छे से हो जाएगा और बराबर कर दूंगी मैं। अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था बारिश की वजह से। और इधर देखिए हमारी छोटी क्या खेल रही है, क्या बना रही हो लल्ला? ताला। इधर देखो, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। कहाँ दिखाओ ताला कैसी बनाई हो, ये देखो हमारी छोटी का ताला, ये देखो। चलो एक बना कर दिखाओ, तो बना कर दिखाओ एक, इनको कैसे बनाती हो। देखिए फाड़ रही है ना उसको। बचपन में हम लोग ऐसा बना करके काफी ज्यादा खेला करते थे। अब बना के दिखा रही हमारी छोटी, है ना छोटी। तो देखते रहिए कैसे बनाती है। चलो जल्दी जल्दी बना कर दिखाएगी ना, ऐसे सब लोग देख रहे हैं। फिर उसको ऐसे करती है, मैं भूल जा रही हूँ लल्ला। आज फिर से देख करके हमें बचपन का याद आ रहा है। आम का पत्ता को हम लोग बनाते थे, ये ना क्या बोलते हैं, सीता का पत्ता तोड़ के लाई है, सीता फल का पेड़ का। ये देखो कैसे बना रही है। अब तो हमें भी याद आ गया है, इसे तो हम लोग भी बनाते थे। छोटी, तुमको कौन सिखाया है? हाँ? मैं सीखी, मैं दीदी सिखाई। दीदी सिखाई है? अच्छा, देखो बोल रही है अपने से सीखी हूँ, दीदी सिखाई है बोल रही है। कहाँ दिखाओ, ये देखिए हमारी छोटी का ताला बन गया। अरे क्या क्या बना लेती है रे। देखिए इसको बहुत बड़ा बड़ा बनाई है ताला। और इसमें हम लोग ना कल क्या बोलते हैं बल्ब लेके आए थे। हम लोग का बल्ब जो है पूरा फ्यूज हो गए थे, देख रहे हैं। और चार्जिंग भी फ्यूज हो गया था, वो भी न्यू ले करके आए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। भारी खुश लग रही है, देखिए इसका मैं दिखा दी बनाते हुए तो कैसे हंस रही है। का भात खाएगी? चलो दूंगी, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा है, एकदम छोटा छोटा बूंद गिर रहा है। लग रहा है आज बारिश आएगा। देखिए मौसम कितना ज्यादा खराब है, देख रहे हैं। और मेरे को तो खांसी बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और इधर देखिए हमारा लौकी को इधर भाग जा रहा है, इधर से इसको इधर कर देती हूँ। ये भी तैयार हो रहा है, फिर इसके लिए भी झांकी रखना पड़ेगा यहाँ पे, तब जा करके उसमें चढ़ेगा यहाँ से। और इधर इधर भी एक लौकी है, उसके लिए भी देना है हम लोगों को झांकी। देख रहे हैं बहुत बड़ा हो गया है, ये देखिए काफी बड़ा हो गया है। इसको भी इधर ले आना है, इधर कहाँ पे करेंगे, नहीं बनेगा इधर। क्यों हल्ला कर रही हो? 10 रुपया ताला बेच रही है हमारी छोटी, देख रहे हैं इधर हल्ला कर रही है। तो चलिए दोस्तों चलती हूँ अब मैं खाना सब्जी बनाने के लिए। हमारा आग भी जल चुका है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है दोस्तों करील, और इसको छोटा छोटा पीस में ना कट कर लिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं नाजुक करील है, एकदम छोटा वाला, एकदम बाती है। इसको ना भुंजिया बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, स्वाद लगेगा। और जो है करील का सब्जी खाने से बोलते हैं कि हाइट बड़ी होती है और हड्डियां मजबूत होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा इंतजाम कर ली हूँ, करील की भी कट कर ली हूँ। और जो है टमाटर ले लिया है, तो इसमें ना मैं कढ़ाई पे तेल भी डाल दी थी। तो आप लोगों को बताई भी थी दोस्तों सुबह में ही कि नहीं है लाइट, तो मैं बिना लाइट का बना रही हूँ, बस क्या बोलते हैं कैमरे का टॉर्च जला रखी हूँ, तो उसी से मैं आप लोगों तक जो है शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है फ़ौरन जो है क्या बोलते हैं ब्राउन कलर हो चुके थे। और जो हल्दी मैंने पीसी थी ना, वो भी सिल्वर से पीसा हुआ था, लेकिन गिल्ला नहीं की थी आज का हल्दी, तो उसको भून करके और इसमें मैं डाल दी हूँ करील को। और ये करील को ना दोस्तों मैं कम से कम ना 10 से 15 मिनट तक उबाली थी, उसके बाद मैं जा करके बना रही हूँ। तो उबाल करके बनाने से ना थोड़ा सा कड़वा कम लगता है और टेस्टी बहुत ही अच्छा आता है। और ये ना पहाड़ी बाँस है, तो खास करके पहाड़ी बाँस कड़वा नहीं लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो आज मैं इसका बनाऊँगी भुंजिया करील, बाँस करील का। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाती हूँ, आज मैं आप लोगों तक जो है शेयर कर रही हूँ। कैसे लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है हमने नमक भी डाल दिया है, और इसको ना कम से कम अभी 10 से 15 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से, ताकि हमारा जो इसमें पानी है ना उबाला हुआ का, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। उसके बाद में इसमें और भी कुछ डालूँगी। तो कुछ देर में हमारा जो करील है वो अच्छे से भुना चुके थे, और इसमें मैं डाल दी हूँ देखिए टमाटर, जो छोटे छोटे पीस में काट रखे थे। तो फिर अभी टमाटर को भी घुलने के लिए दोस्तों 5 से 2 मिनट तक रखने दूंगी, उसके बाद ही टमाटर भी घुलते हैं, नहीं तो तुरंत से घुलते नहीं हैं। और खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना करील की सब्जी कि क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग ना कहाँ से लेकर आके आते हैं ना करील, वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा। पहाड़ी करील पूरे ब्लॉग मिलेगा, कहाँ से लेकर के आते हैं और जो है कैसे निकालते हैं करील, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, इसमें तो नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से घुल चुका है दोस्तों, और इसमें मैंने सारा चीज़ डाल चुका है। और फाइनली हमारा करील सब्जी पक चुका है, ये देखिए। और खाने के लिए मैंने इसमें निकाल लिया है। तो देखिए हमारा प्लेट भी लग चुका है, और बनाई थी उड़द दाल और चावल और जो है करील की भुंजिया। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, किसको किसको खानी है आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, करील और उड़द दाल की सब्जी और चावल। उसके बाद दोस्तों हम ना यहाँ पे नहा धुआ करके मतलब आए, उसके बाद खाए हुए थे, नहा कर मतलब बिना नहाए तो मैं खाना सब्जी पका लेती हूँ, बट नहा करके आई उसके बाद खाए, फिर यहाँ पे आ गई बरामदे पे। आप लोगों को सुबह ही बताई थी कि आज जो है मैं बरामदे की पुताई करूँगी, तो यहाँ पे मैं फोड़ने लगी हूँ अपना काला मिट्टी जो कि रेहड़ा मिट्टी। तो इसको भी ना अभी मैं बाल्टी पे मिलाऊंगी घोल बना करके, तो इसको छोटा छोटा कूच दे रही हूँ इसलिए क्योंकि जल्दी से घुल जाए, नहीं तो उतना बड़ा लड्डू जल्दी से घुलेगा नहीं इसलिए। तो देखिए इसको भी मैंने तोड़ लिया है और इसको अभी रहने दूंगी कम से कम 2-3 मिनट, तब तक घुल जाएगा। और उतने तक जो है मैं अपने बरामदे का झाड़ू लगाऊंगी, उतना तक जो है हमारा वो भी घुल जाएगा। तो देखिए हमने झाड़ू लगा करके आ गई है और 2-3 मिनट के बाद देखिए ज़्यादा टाइम नहीं थे, बहुत ही अच्छे से घुल चुके हैं। कितना मस्त लग रहा है हाथ में लेने से, और काफ़ी फिसलन फिसलन होती है तेल जैसा। तो इसको ना अभी मैं घोल बना करके इसमें डाल दूंगी, गोबर है इसमें, गोबर का घोल बना करके रखी हुई हूँ, तो इसी में मिला करके इसका लिपाई करूँगी मैं। ये देखिए अभी कलर पूरा का पूरा जो है ना वो चेंज हो जाएगा, गोबर गोबर जैसे नहीं लगेगा, क्योंकि काला मिट्टी इतना ज़्यादा इसका कलर होती है ना, एकदम क्या बोलते हैं रंग जैसा हो जाता है, एकदम ब्लैक। देख रहे हैं पूरा कलर ही चेंज कर दिया थोड़ा सा काला मिट्टी। अब ले करके चलती हूँ मैं लिपाई करने के लिए। तो देखिए हमारा बरामदा कितना ख़राब लग रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा जो है ना बारिश ख़राब कर दिया है पूरा, मतलब किनारे किनारे का ना खोदा गया है पूरा, बस दीवार साइड साइड का बाकी रह गया है, और इधर का पूरा जो है सीलन हो चुकी है। अभी ये सूखेगा नहीं, काफ़ी लेट लग जाते हैं सूखने के लिए, दीपावली पहुंच जाती है तब तक सूखती है, नहीं तो कभी कभी तो सूखती भी नहीं है। और इस वर्ष तो काफ़ी ज़्यादा बारिश भी आ रहे हैं बार बार, और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगले वर्ष नहीं थे इतना बारिश, इस वर्ष थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है, तो ज़्यादा ही सीलन हो रही है। और हमारे घर की तो पूछिए ही मत, पूरा ख़राब हो गया है पूरा दीवार। ज़मीन तो नहीं होता मेरा क्योंकि प्लोथिंग बिछाई हूँ, तो दीवार पूरा मतलब सीलन हो गई है पूरा का पूरा। एक आध दिन आप लोगों को दिखाऊंगी जब लिपाई करूँगी ना घर का, तो दिखाऊंगी दोस्तों। तो आप सभी को दिल से शुक्रिया दोस्तों हमें इतनी प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। और आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कही थी कि मिट्टी खाने से क्या नुकसान होती है, क्या फ़ायदा होती है, तो आप लोगों को बता दूँ मैं, मिट्टी खाने से नुकसान ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आप बस हद से ज़्यादा खाओगी तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमें पता है। एक बार हमारे पेट में कीड़े पड़ गए थे, तो उस बार से हम खाना छोड़ दिए हैं, बहुत कम खाते हैं, खाते भी हैं तो थोड़ा सा लालच लगती, थोड़ी सी मुँह में ले लिया करते हैं, बट ज़्यादा नहीं खाते। जितना आप लोग कल वीडियो पे देखे बिल्कुल मैं वैसा नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे पेट पे कीड़े पड़ गए थे। अगर मेरी बहन इस वीडियो को देख रही है ना तो हंसेगी, क्योंकि उनको पता है हमारी बहन को, और हमारी बहन गांव से बहुत दूर है, अगले शहर में रहती है, तो हमारा ब्लॉग हर रोज़ देखा करती हमारी बहन, तो उसको पता है। जिस दिन हमारे पेट में कीड़े पड़े थे मिट्टी खा करके, उस दिन हम लोग दोनों बहन साथ में थे। उस दिन हमारी बहन ना क्या बोलते हैं बहुत करीब से देखी थी कि किस तरीके से कीड़े पड़ते हैं पेट में, जैसे केचुआ होता है ना बारिश के टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही बन जाता है पेट में भी, तो काफ़ी बड़ा बन गया था। और बचपन में मैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी खाती थी, और आज तक मिट्टी खाती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमें भी डर सा हो गया है, क्योंकि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होती। लेकिन अब बताइए हद से ज़्यादा खाओगे, उसी का मतलब पेट भरोगे उसी से, तो नुकसान तो करेगा ही कुछ भी चीज़ हो, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए दोस्तों। तो 2-3 फ्रेंड्स हमसे पूछे थे कुछ नुकसान तो नहीं होता है, आप ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को पता चल गई होगी मेरा बताए हुए अनुसार से। अगर आप लोगों को मेरी कहानी बताऊंगी ना आप लोग पूरी समझ जाओगे, लेकिन हम ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, तो इसमें बता भी नहीं पाऊंगी कि मैं मिट्टी खाने का आदत कैसे डाली थी, और कैसे खाने लगी थी, और कीड़ा जो है वो कैसे बन गए थे, कैसे निकला, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या किए हम लोग, वो सारी चीज़ें बताती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे। तो आज की ब्लॉग आप सभी को कैसी लगी दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो जाते जाते एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारा लिपाई ना आज का जो है यहीं तक मैं समाप्त करने वाली हूँ, और अगले ब्लॉग में आधा लिपाई जो है वो दिखाई देगी दोस्तों। हम दोनों बरंदे की पुताई किए हैं, लेकिन इसमें एक ही बरंदे की नज़र आएगी, क्योंकि एक बरंदे का कल की ब्लॉग में हम ऐड कर दिए हैं। ये ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी थी इसलिए।